नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम फ्राइड फिश बनाने जा रहे हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। मैं फ्राइड फिश बनाने के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मछली, हल्दी, नमक, तेल। तो देखिए, अब हम पहले मछली को धो लेते हैं, उसको अच्छी तरह से बढ़िया से धो लें। तो आप लोग देख रहे हैं, देखिए ये मेरा मछली तैयार हो गया। इसको अच्छी तरह से धो के हल्दी मिला रहे हैं और नमक जो है अपना मछली के हिसाब से डाल लीजिए अपने स्वाद अनुसार। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि पूरी तरह से मिल जाए। तो हम गैस का फ्लेम जला लिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इस पर कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं और अब ये थोड़ा हाई फ्लेम पे रखना है। हाँ, तब गया है, तो इसमें हम सरसों का तेल डाल दिए हैं। ये देखिए पूरी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें हम मछली डाल दिए हैं और इसको जो है अब थोड़ा मीडियम फ्लेम पे करना है और धीरे धीरे इसको तलना है ताकि वो कुरकुरा हो सके और खाने में अच्छा लगे, इसलिए हम इसको तल लिए। देखिए ये तैयार हो गया। इस तरह करके पूरी तरह से हमको सब फिश को तल लेना है। तो अब मेरा मछली रेडी होने वाला है। इसको धीरे धीरे करके हम पूरी मछली को तल लिए हैं। अब इसको सर्व करने के लिए भी ये तैयार हो गया है। तो आप इसे अब कसुंदी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।